प्रीवियसली आपने देखा ही होगा कि जब मेरे और मेरे भाई के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, तभी एक एंटिटी की एंट्री हो जाती है जिसका नाम था छोटा डॉन 909। इस एंटिटी में गजर बहुत सारी पावर थी, जैसे कि यहाँ पर गजर बहुत जल्दी टेलीपोर्ट कर सकता था और उससे भी जल्दी गजर मार सकता था। मात्र वन हिट किल में गजर किसी को भी मार सकता था। तो गजर हम इसे भाग रहे थे, लेकिन फिर हमने हार मान ली। तो छोटे डॉन ने बोला कि इस वर्ल्ड में एक नेदरराइट का आर्मर है जिसको हमें ढूंढना है। तो गजर हम ढूंढने में लग गए, हमने हर जगह छान मारी थी, लेकिन एक जगह बची थी जो कि थी रेविन। लेकिन रेविन में जाने के लिए चाहिए थे हमको टॉर्च। तो गजर हमने क्या करा, कारपेट के नीचे से सारी की सारी टॉर्च निकाली, और जब हम आखिरी कारपेट तोड़ रहे थे तो हमको गजर वही सीक्रेट बेस मिल गया जिसकी बात छोटे डॉन ने करी थी। फिर हमने क्या करा, हम गजर गए उस सीक्रेट बेस के अंदर और वहां पर हमको दिखा वो ओपी नेदरराइट का आर्मर। मैंने सोचा हम गजर नेदरराइट का आर्मर छोटे डॉन को देने से अच्छा है कि खुद ही चुरा लें। लेकिन ये मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था, क्योंकि जैसी गजर में नेदरराइट का आर्मर चुरा कर पीछे के दरवाजे से भाग रहा था, तभी वहां पर मेरे को दिख जाता है छोटा डॉन और गजर। उसने मुझे लिटरली वन हिट में किल कर दिया। फिर जैसी गजर मैंने रिस्पॉन के बटन पे क्लिक करा, तो गजर हम नेदर के अंदर एक ट्रैप में स्पॉन हो गए थे जहां पर कुछ नहीं था, चारों तरफ लावा लावा था और हमारे पास निकलने के लिए कोई चॉइस भी नहीं थी। सो अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। अबे मैंने क्या कर दिया? तुम पूछ रहे हो तुमने क्या कर दिया? अरे तुमने ही चुराया था नेदरराइट का आर्मर और तुम्हारी गलती की वजह से मैं भी फंस गया। बात तो सही है। हाँ माना कि मेरी गलती की वजह से फंसे हैं, लेकिन निकलने का प्लान तो हम दोनों को बनाना पड़ेगा ना। मैं नहीं बना रहा, खुद बना लो। सांप को पाल रहा था। अरे प्लीज यार बता दे प्लान, हम दोनों को यहाँ से बाहर निकलना है तो प्लीज प्लान बता दे। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया ये है कि हम इस बेड को फोड़ देते हैं, फिर मरने के बाद जहाँ हम स्पॉन होंगे हम वहाँ से इजीली भाग जाएंगे। नहीं भाई ये नहीं करना। हाँ यही करना है। नहीं। हाँ नहीं। हाँ नहीं। हाँ नहीं। अबे मैं यहाँ पर कहाँ स्पॉन हो रहा हूँ? और एक सेकंड यहाँ पर देखो भाई, मेरे पास एक्स पिकेक्स मेरा पूरा आर्मर पड़ा हुआ है, ऐसा कैसे? एक काम करता हूँ अपने भाई को ढूंढता हूँ, वो भी पक्का कहीं ना कहीं स्पॉन जरूर हुआ होगा। अबे ये तो यहीं पर है। अबे तेरे पास डायमंड का आर्मर कहाँ से आया? अरे क्या बात कर रहे हो, पहले से पड़ा था ये आर्मर मेरे पास। कुछ भी क्यों कह रहा है, तेरे आर्मर को तो छोटा डॉन ने चुरा लिया था ना। कौन छोटा डॉन? तुमने चुराया था मेरा डायमंड का आर्मर और अब छोटा डॉन का नाम लगाकर मुझे पागल बना रहे हो। तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा ना? सुगजर लग रहा है इसको सुबह सुबह पागल बनाने के लिए कोई मिला नहीं, इसलिए मेरे को पागल बना रहा है। लेकिन कोई नहीं, मैं गजर यहाँ पर प्रूफ ले लेता हूँ एक बारी। यहीं पर गजर वो सीक्रेट बेस था जहाँ पर छोटा डॉन का नेदरराइट का आर्मर था। अबे सीक्रेट बेस कहाँ गया? सुगजर यहीं पर तो था वो छोटा डॉन का सीक्रेट बेस जहाँ पर से हमने नेदरराइट का आर्मर लिया था, इसने पक्का छुपा रखा है। मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। अब हो गया तुम्हें यकीन कि छोटा डॉन है ही नहीं हमारे वर्ल्ड में? लेकिन अभी तुम नेदर के अंदर मरे थे। अब हम गए कब नेदर में? ये फंस गया सी है। लेकिन अभी जब हम नेदर के अंदर मरे थे तो मैं बेड के ऊपर स्पॉन हुआ था। अरे यार तुम स्पॉन नहीं हुए थे, तुम सो के उठे थे। यानी कि मैं सपना देख रहा था। हाँ। सुगुसर इसने सोच रखा है कि मेरा दिमाग थोड़ा खराब है, लेकिन इसको गलत फहमी हो रही है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि छोटा डॉन यहीं पर आया था, उसने हमसे नेदरराइट का आर्मर ढूंढने के लिए बोला था और ये मुझे पागल बनाना चाह रहा है। दोबारा अगर तुमने छोटा डॉन का नाम लिया ना तो कसम से मैं तुम्हें किक कर दूंगा इस वर्ल्ड से। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तेरे को मजाक भी समझ में नहीं आती क्या? नहीं। तो चलो मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं तुम्हें सीट दे रहा हूँ, थोड़ी सी हेल्प करो मेरी फार्म बनाने में। हाँ हाँ कर रहा हूँ, लेकिन तूने मुझे बीट रूट की सीट दी है, बस इतना ही फार्म बनाना है? रुको जरा सबर करो, पहले ये सीट लगा लो फिर और सीट मिल जाएगी। हाँ ठीक है लगा रहा हूँ। सुगुजर यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो मैंने इसका फार्म बना दिया है। ए तुमने नहीं बनाया, हम दोनों ने बनाया। हाँ दोनों ने मिलकर गजर हमने एक फार्म को बना दिया है। और गजर वहाँ पर देखो, ये तो वही जगह है ना जहाँ पर से हमने छोटे डॉन के आर्मर को चुरा कर एग्जिट मारी थी जगह से। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर गजर, चेक करके आते कि यहाँ पर वो एग्जिट अभी तक है या फिर नहीं। लगता है इनके छोटे डॉन के नशे दोबारा से शुरू हो गए। सुगुजर इसका कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक सेकंड यहाँ पर तो वो एग्जिट है ही नहीं जहाँ पर से हम बाहर निकले थे। अबे कहाँ गई? मैंने बोला था कि छोटा डॉन नहीं है हमारे वर्ल्ड में। लगता है गजर मेरे को सच्ची में सपना आया था, क्योंकि भाई मैंने हर जगह चेक कर ली जहाँ जहाँ पर मुझे छोटा डॉन के निशान मिल सकते थे, लेकिन मुझे कोई निशान ही नहीं मिला। मैंने बोला था, लेकिन मेरी बात पे तो तुम्हें भरोसा है नहीं। अब हो गई तसल्ली, निकले यहाँ से। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अभी गजर मैं आपको अगर सीधा सीधा बताऊं तो मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक खतरनाक सा आइडिया आ रहा है। आइडिया ये आ रहा है कि क्यों ना मैं अपने भाई को बचे हुए पूरे टाइम में ट्रोल करूं, मतलब उसके जितने भी डायमंड है सबको लावा के अंदर फेंक दूं, उसकी स्वॉर्ड को लावा में जला दूं, उसके पूरे आर्मर को लावा में जला दूं। मस्त प्लान है। लेकिन वो अभी सीड लेने गया, तो जैसी गजर वो वापस आ जाएगा हम उसके साथ ट्रोलिंग स्टार्ट कर देंगे, और इतनी ट्रोलिंग कर देंगे किसी ने सोची ना होगी। सुगजर यहाँ पर देखो मेरा भाई आ गया, और भाई कहाँ से आ रहा है?
मैं नहीं बताऊंगा। अरे वो मैं सीट लेने गया था। लेकिन हमने सारी सीट तो लगा दी। अरे नहीं ये वाली नहीं लगाई। हाँ ये वाली नहीं लगाई तो ये वाली तू लगा लियो। लेकिन पहले अगर तेरे पास एक बकेट बची है, वाटर बकेट या कोई सी बकेट, तो मेरे को दे दे। हाँ देख रहा हूँ मैं। हाँ पड़ी है ये लो। हाँ तो देना, जल्दी देना यार। रुको जरा, सबर करो। लो पकड़ो। सुकुशी हम पर जैसे आप देख पा रहे, हमको बकेट मिल चुकी है। लेकिन एक मिनट, तुम इस बाल्टी का करोगे क्या? नहाऊंगा। कुछ भी मजाक कर रहा हूँ मैं। इस बाल्टी के अंदर लावा भरूंगा और लावा से मैं एक गार्बेज बनाऊंगा जिसके अंदर हम अपने सारे फालतू के सामान को फेंकेंगे। ठीक है तुम बनाओ, मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। सुगर सिर्फ एक काम करते हैं, हम जल्दी से यहाँ पर चार ब्लॉक को डिक कर लेते हैं और गजर यहाँ पर डालते हैं लावा। लेकिन इसको क्या पता कि लावा को डालने के बाद गजर मैं इसकी स्पेशल चेस्ट में से निकालूंगा डायमंड और सारे के सारे डायमंड डाल दूंगा यहाँ लावा के अंदर। ओए देख यहाँ पर मैंने गार्बेज बना दिया, एक बार तू आके देख ले और अपना सारा फालतू सामान फेंक दे। हाँ रुको मैं आ रहा हूँ। हाँ सुगर सिर यहाँ पर देख सकते हो वो आ रहा है। अब जल्दी से तू अपना कोई फालतू सामान डाल दे। हाँ डाल रहा हूँ। सुगु सर अब एक काम करते हैं, चुपचाप से यहाँ पर गजर इसकी चेस्ट में से निकाल लेते सारा डायमंड और अब सही मौका आते हम सारा का सारा डायमंड डाल देंगे लावा में। और तूने डाल दिया सारा सामान अपना। अरे बार बार मेरे से क्यों कह रहे हो, खुद डालो ना अपना फालतू सामान। सुगु सर यहाँ पर देखो मैं क्या फालतू सामान डालता हूँ। 3, 2, 1 और यहाँ पर देखो मैंने अपना सारा फालतू सामान डाल दिया। ए तुमने मेरे डायमंड की फेंके, कोई बात नहीं मैं अपना नेदरराइट बचा लूंगा। लेकिन देर को मेरे से कौन बचाएगा? अब गजर देखना मैं इसके चारों तरफ कैसे लावा डालता हूँ, कुछ इस तरीके से लगा दूंगा, बच ही नहीं पाएगा ये। अरे यार ये क्यों कर रहे हो तुम? ऐसे मेरा मन कर रहा था, अब देख तेरे को पूरा मैं जला दूंगा, तेरे पूरे आर्मर को जला दूंगा, सब कुछ जला दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा। अरे बस कर भाई, अब मैं तेरे फार्म को खराब करता हूँ। सुगर सर यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो एक बारी मर चुका। अब जल्दी से एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसका सामान सारा गिरा है उसके ऊपर मैं डाल देता हूँ लावा, एकदम अवेल पना हो जाएगा। नहीं यार प्लीज ये मत करो, प्लीज कर दिया अब तो मैंने। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अब। अरे हिम्मत है तो पकड़ के तो दिखा, दोबारा मर गया नूब। तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम मुझे ट्रैप कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम मुझे बार बार ही मार रहे हो? यार तू ये मेरा देख कुछ बिगाड़ा तो था नहीं, लेकिन पता नहीं मेरे को तेरे को ट्रोल करने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा अब मरो। मैं कि तू? तुम मरोगे। अच्छा सुगजर यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसने गजर स्वॉर्ड ले ली भाई, मैंने बस जला ही दिया था। अब देखना मैं इतनी तेज भागूंगा कि तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। सुगजर यहाँ पर देखो ये भाग गया। अरे यार लेकिन मेरे पास गजर एक आइडिया है, एक काम करता हूँ मैं गजर पीछे कहीं पर छुप जाता हूँ क्योंकि वापस तो इसी जगह से आएगा और जैसे इसी जगह से आएगा मैं गजर इसको पूरा दबोच लूंगा और दोबारा मार दूंगा। मस्त प्लान है। सुगजर अभी तक यहाँ पर वो नहीं आए तो एक काम करते तब तक गजर अपनी इन्वेंटरी को सेट कर लेते क्योंकि वो कभी भी आ सकता है। और मैं आ गया और अब मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम कुछ ही नहीं कर पाओगे। अरे यार बस मेरी 2 हेल्थ बचे, प्लीज छोड़ दे छोड़ दे। फोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं गजर यहाँ पर मैं इसके घर के अंदर स्पॉन हो गया और गजर यहाँ पर मुझे इसी की चेस्ट से मिल गया फ्लिंट एंड स्टील। अब मैंने इसके पूरे घर के अंदर लगा दी आग। अच्छा तो अब तुमने मेरे घर के अंदर आग लगाई ना, मैं तुम्हारे सामान के अंदर आग लगाऊंगा। नहीं यार सामान के अंदर आग मत लगाइयो, चल लगा दे मैं खुद लगा देता हूँ ले। लगता है ये पागल हो गया। कोई बात नहीं मैं मार देता हूँ। अरे तूने मेरे को मार दिया ना, अब देख मैं तेरे घर के अंदर दोबारा से आग लगा दूंगा। अरे फ्लिंट एंड स्टील तो है नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम गजर एक काम करते हैं इसी की चेस्ट के अंदर से निकाल लेते हैं पिकैक्स। अब गजर इसके घर को हम हाथों से तोड़ेंगे और गजर एकदम तोड़ फोड़ के अलग कर देंगे। यार मेरे घर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम उसे तोड़े जा रही हो? एक मिनट रुको मैं तुम्हें ऊपर आके ही मारूंगा। अभी तेरे आने से पहले तो मैं नीचे चले जाऊंगा और नीचे तोड़ फोड़ मचाऊंगा। और भाई लग रहा है मैंने इसको कुछ ज्यादा ही ट्रोल कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो ट्रोल की स्टार्ट है, अभी तो बहुत सारा ट्रोल करना है। रुक मैं तेरे को बताता हूँ। अभी गजर वहाँ देखो कोने से खड़ा होकर घूर रहा है मुझे। अरे मेरी हेल्थ बहुत कम है, मत मारो मेरे को। अब तो पक्का मारूंगा गजर मैं से। और यहाँ पर ये गया और एक काम करता हूँ उसका सारा सामान उठा लेता हूँ। और यहाँ पर गजर देखो ये फार्म के अंदर और भाई काम भाग रहा है। रुक 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 तेरे को बताता हूँ मैं अभी। अब मैं इतना दूर भागूंगा कि तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन तेरी बोस है, मैं तेरे को मारूंगा। अब रुक बेटा काम भाग रहा है। अरे मेरे निशाने कितने गंदे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा शॉट तो इसको पक्का लगेगा। और यहाँ पर ये लगा। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई हक दिया। सुगर से यहाँ पर कुछ ज्यादा दूर भाग चुका है। काम करता हूँ मैं गजर इसका पीछा करता हूँ और देखता हूँ ये कहाँ तक भागता है। 2000 years later सुगर से आंधी को कब से भागे जा रहा है, मतलब स्नो बायो मार चुके लेकिन अब इसकी पक्का हंगर बार कम हो चुकी है इसलिए भाग नहीं पा रही है। सुगर से यहाँ पर ये रुका क्यों है? अब नहीं भागूंगा मैं, अब देखो क्या करता हूँ मैं। क्या कर रहा है? अबे इसको लग क्यों नहीं पा रही है, ऐसा क्या कर लिया? बाय। चलो गजर आज की इस वीडियो के लिए इतना, फाइनली हमारी गजर इतनी ऑसम सीरीज का एंड हो रहा है। ऑसम इसलिए थी क्योंकि मैं था इस सीरीज में, वरना तुम तो हर वीडियो में आते हो। गजब बेइज्जती है। सो चलो गजर आज की इस वीडियो के लिए इतना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर से जाकर इस वीडियो को एक लाइक कर देना। लाइक हम रखते हैं 5K लाइक्स का। और हाँ
थैंक यू सो मच गाइस, क्योंकि आज हमने कंप्लीट कर लिए 30K सब्सक्राइबर, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, लेकिन आज हमने आप लोगों के सपोर्ट की वजह से इसको भी अचीव कर लिया है। सो ऐसे सपोर्ट गाइस जरा बरकरार रखना और हम ऐसी अमेजिंग वीडियो बनाना भी बरकरार रखेंगे। सो चलो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।